लखनऊ से एक नया मामला सामने आया। देश की रक्षा करने वाले इंडियन आर्मी के जवान आज अपने न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के कैंट में तैनात इंडियन आर्मी के दो जवान आज न्याय की गुहार लेकर लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर के कार्यालय पहुंचे। दो जवानों का आरोप है कि उनकी जमीन जो तेलीबाग थाना PGI के अंतर्गत है, उनकी जमीन कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। मैं हवलदार दीपक राय 770 स्क्वायर फीट कान्हा नगर तेलीबाग में प्लाट लिया है और हम उसमें बना रहे हैं तो बनाने नहीं दिया जा रहा है। कार्नर का प्लाट है, कार्नर का प्लाट दबाना चाहते हैं हमारा, जो वहाँ पर भूमाफिया है बनाने जा रहे हैं तो रोक दे रहे हैं। PGI थाने में भी गए थे तो आश्वासन दिए कि बन जाएगा, फिर आके PGI थाना रुकवा देती है। फिर SDM साहिबा के पास भी गए थे हम लोग, वहाँ से आदेश भी हुआ है कि नियमानुसार इनका कार्य शुरू कराया जाए, तो भी हमारा काम कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने पे क्या बोल रहे हैं, आपके जो क्षेत्र का थाना है वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? PGI थाना है, वहाँ पर गए थे हम लोग तो बोले SDM साहब से लिखवा के लाओ, SDM साहब से लिखवा के ला के हम लोग दे दिए हैं वहाँ पे। तो अभी सुनवाई नहीं कर रही थाना? अभी भी सुनवाई नहीं कर रही है, दो दिन काम चला बोले स्टार्ट करो काम, फिर दो दिन बाद आके रोक दिए। तो आपकी क्या मांग है? आपकी हम लोग यही मांग कि हमारा रास्ता कार्नर का प्लाट है, हमको न्याय चाहिए और कमिश्नर साहब के पास आए हैं, हमारी समस्या का समाधान, हमारी समस्या का समाधान हुआ। थाना PGI की मिली भगत से इनकी जमीन पर बन रहे मकान को भूमाफियाओं ने हथियाने की पुरजोर कोशिश की है। जवानों का आरोप है कि थाना PGI पर इनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। तेलीबाग में बन रहे मकान को थाने के पुलिस बार बार जबरन काम रुकवा देती है। जवानों का कहना है कि लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी गुहार है कि मुझे न्याय मिले।